बॉलीवुड सिंगर के कृष्ण कुमार का लाइव कॉन्सर्ट के बाद निधन हो गया। बता दें, मंगलवार को कोलकाता में लाइव कॉन्सर्ट करने गए थे। उनकी उम्र 53 साल थी। परफॉर्मेंस के बाद वह होटल पहुंचे थे और उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें कोलकाता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ले जाया गया। हालांकि अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि उनके सर में चोट थी। पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया है। कॉन्सर्ट के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी। सिंगर का पोस्टमार्टम उनके परिवार की सहमति के बाद किया जाएगा। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम की व्यवस्था कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में की जा रही है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके केके के निधन पर दुख जताया है। पीएम ने कहा कि केके के निधन से दुखी हूँ। उनके गानों से हर उम्र के लोग जुड़े हैं। वो अपने गानों के जरिए हमारे दिल में हमेशा जिंदा रहेंगे। ईश्वर उनके परिवार को शक्ति दे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी केके के निधन पर शोक जताया है। केके के निधन से बॉलीवुड इंडस्ट्री में दुख का माहौल है। अभिनेता अक्षय कुमार, सिंगर अरमान मलिक, अभिनेत्री सोनल चौहान और मुनमुन दत्ता समेत कई हस्तियों ने उनके निधन पर दुख जताया है। केके समेत देश ने पिछले 2 दिन में परफॉर्मेंस के दौरान 2 सिंगर खो दिए हैं।